हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज दोस्तों हम डिस्कस करेंगे अप्लाइड थर्मोडायनेमिक का यूनिट 3। ये जो हमारा अप्लाइड थर्मोडायनेमिक है दोस्तों, सेमेस्टर 4 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का हमारा टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपने यूनिट सीरीज के साथ। इसके पहले दोस्तों ऑलरेडी मैंने यूनिट 1 को और 2 को डिटेल में डिस्कस किया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख ले। जो हमारा यूनिट 3 है वह है बॉयलर्स एंड कंडेंसर। इस यानी यूनिट 3 के पूरे चैप्टर में हम बात करेंगे बॉयलर के बारे में और कंडेंसर के बारे में। ये दोस्तों स्टार्ट कर रहे हैं हम पार्ट 1, क्योंकि लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए हम क्या करेंगे पार्ट वाइज डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट जरूर करें। तो यहां पे हम बात करेंगे पार्ट 1 में पहले बॉयलर हमारा क्या होता है और इसका पर्पस क्या होता है। सेकेंड बात करेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर के बारे में, जो आपके 10 नंबर में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। सेकेंड हमारा यहाँ जो यूनिट 3 में इम्पोर्टेंट है, दो बॉयलर हैं। एक हमारा है बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर, हमारा क्या होता है विद द फिगर, किस तरीके से कंस्ट्रक्शन होता है उसका और वर्किंग प्रोसेस क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और हमारा सेकेंड जो बॉयलर इसमें है लंका शायर बॉयलर, यानी दो बॉयलर हमारे इम्पोर्टेंट है, यहां से एग्जाम में कन्फर्म एक ना एक पूछा जा सकता है। सेकेंड हमारा जो इसमें टॉपिक है इसमें क्या है, बॉयलर हमारा इसमें माउंटिंग होती है और एसेसरीज होती है। तो हम पार्ट 1 में भी बात करेंगे माउंटिंग के बारे में कि बॉयलर की कौन कौन सी माउंटिंग है जो हमारी इंपॉर्टेंट है। तो हमारा फर्स्टली बात करेंगे वाटर लेवल इंडिकेटर के बारे में, प्रेशर गेज के बारे में, फीड चेक वाल्व के बारे में, ब्लो ऑफ कॉक एंड फ्यूजिबल प्लग के बारे में। ये हमारे सारे टॉपिक हम डिस्कस करेंगे पार्ट 1 में। आइए दोस्तों को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं कि हमारा बॉयलर होता क्या है। तो दोस्तों जो हमारा बॉयलर का मेन वर्क होता है, बॉयलर का हमारा मेन वर्क क्या है, हमें क्या करना होता है, उसे स्टीम प्रोड्यूस करना होता है, यानी हमें स्टीम चाहिए होता है। तो हमारा बॉयलर क्या करता है, उस वाटर से स्टीम को प्रोड्यूस करता है। और जो हम वाटर को स्टीम में प्रोड्यूस करते हैं वो भी किसकी हेल्प से होता है कि हम क्या करते हैं कंबक्शन का प्रोसेस करते हैं। तो हमारा जो कंबक्शन के प्रोसेस से द्वारा जो हमारा वाटर स्टीम में कन्वर्ट होता है, यही हमारा मेन पर्पज होता है बॉयलर का। तो हम कह सकते हैं कि द बॉयलर में बी डिफाइन एज ए क्लोज वेसल, एक हमारा ऐसा क्लोज वेसल इन विच स्टीम इज प्रोड्यूस, जो हमें क्या करे स्टीम प्रोड्यूस करे फ्रॉम ए वाटर, वाटर से बाय द कंबक्शन ऑफ ए फ्यूल, दिस इज कॉल्ड बॉयलर। तो उसे हम क्या करते हैं बॉयलर कहते हैं। जैसा कि आपने कंपनियों में कई जगह देखा होगा या फिर बड़े बड़े घरों में क्या होता है, जब कोल्ड मौसम आता है, ठंडी का मौसम आता है, तो वहां हमें क्या करता है हॉट वाटर के लिए, गर्म पानी के लिए हमें क्या करते हैं, वहां भी हम क्या करते हैं बॉयलर का यूज करते हैं। बहुत जगह हमारी बिल्डिंगों में ऐसे जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, बड़े बड़े शहर हैं, वहां हम ऐसे यूज करते हैं। जैसा कि दोस्तों आपने देखा होगा जो हमारा कुकर होता है वो भी क्या है कि बंद है, बंद वेसल के तरीके से, तो उसे हम क्या कर सकते हैं वाटर को हम हीट कर रहे हैं, उसमें हमारी स्टीम प्रोड्यूस हो रही है, तो वह भी एक हमारा क्या है बॉयलर का ही एग्जाम्पल हम उसे कह सकते हैं। बट एक्चुअल में दोस्तों होता क्या है कि जो बॉयलर होता है उसकी होल्डिंग कैपेसिटी इज मोर देन 10 गैलन ऑफ ए वाटर, यानी उसकी जो होल्डिंग कैपेसिटी होती है जो हमारी बॉयलर की होती है वो 10 गैलन मोर देन होती है। ओके, ये हमारा दोस्तों 2 पॉइंट हो गए। और हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि इन एडिशन टू दिस, यानी हम और भी चीज इसमें ऐड करते हैं, जैसा कि एनी अपरेटस व्हिच एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द बॉयलर एंड यूज टू रिकवर हीट फ्रॉम द फ्ल्यू गैसेस पार्शली और फुली इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन ए बॉयलर। कहने का मतलब जब हम बॉयलर में क्या करते हैं स्टीम प्रोड्यूस करते हैं तो बहुत सारी हमारी क्या होती है हीटिंग के दौरान कंबक्शन से क्या होती है फ्ल्यू गैसेस निकलती हैं, उन फ्ल्यू गैसेस का भी हम क्या कर सकते हैं पूरी तरीके से या कुछ मात्रा में उन एसेसरीज के तौर पे उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए भी हम कह सकते हैं, एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं यूज करते हैं उन फ्ल्यू गैसेस का। तो ये हमारा दोस्तों होता है बॉयलर का मेन पर्पस, के हमारा मेन बॉयलर हमारा क्या होता है। अब हम बात करते हैं मेन हमारा कि बॉयलर का पर्पस क्या होता है। हमने बॉयलर तो बता दिया कि हमारा बॉयलर क्या होता है, अब हम बात करते हैं कि पर्पस क्या है इसका, मेन बॉयलर का पर्पस क्या है। तुम्हारा मेन बॉयलर का फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि फॉर जनरेटिंग पावर इन ए स्टीम इंजन आर स्टीम टर्बाइन, जो हमारी स्टीम इंजन होते हैं, स्टीम टर्बाइन होती है फिर हम कह सकते हैं, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं स्टीम को प्रोड्यूस करते हैं, यह हमारा मेन पर्पस होता है। सेकेंड लिखा है कि जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होती हैं, सुगर मिल्स होती हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज होती हैं, वहां भी हम क्या कर सकते हैं इसका बॉयलर का यूज करते हैं।
लास्ट उसने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ कि फॉर हीटिंग द बिल्डिंग्स इन कोल्ड वेदर एंड फॉर प्रोड्यूसिंग हॉट वाटर फॉर हॉट सप्लाई। कहने का मतलब जब हमारी ठंडी होती है तो हमें क्या करना पड़ता है, गर्म पानी चाहिए होता है, तो वहां भी हम क्या कर सकते हैं, वाटर जो हम हीट करते हैं वह भी एक हमारा क्या बॉयलर का एग्जाम्पल है। क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर के बारे में इसके पहले ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है कि बॉयलर होता क्या है और बॉयलर का मेन पर्पस क्या होता है। यहां हम बात करेंगे इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। तो देखते हैं जो बॉयलर का क्लासिफिकेशन है किस तरीके से किया गया है। पहला हमारा हेडिंग क्या कह रहा है कि बेस्ड अपॉन द ट्यूब कॉन्टेंट। अब ट्यूब कॉन्टेंट में क्या है, जो हमारी बॉयलर होता है उसमें दो तरीके की ट्यूब लगी होती है, एक हमारी फायर ट्यूब बॉयलर होता है, एक हमारा वाटर ट्यूब बॉयलर होता है। अब फायर ट्यूब बॉयलर का मतलब क्या है, कह रहा है कि हॉट गैसेस फ्लो थ्रू द ट्यूब, यानी जो हमारी ट्यूब बनी हुई है उसमें क्या है फायर, यू नो फायर ट्यूब बॉयलर मतलब क्या होता है, इस पे क्या है स्टीम, एक तरह की हॉट गैसेस फ्लो होती हैं, ठीक है। अगर इस पाइप में, इस ट्यूब में हमारी क्या हॉट गैसेस फ्लो हो रही हैं, तो ये क्या होगी फायर ट्यूब बॉयलर होगी। कह रहा है कि हॉट गैसेस फ्लो थ्रू द ट्यूब एंड दिस ट्यूब आर सराउंडेड बाय वाटर, और उसके सराउंडिंग पे क्या होता है वाटर होता है। तो इस तरीके की हमारी जो भी है बॉयलर होता है उसे हम फायर ट्यूब बॉयलर करते हैं। जैसे कि हमारा लंकाशायर बॉयलर होता है, कॉकरन बॉयलर होता है, लोकोमोटिव बॉयलर होते हैं, ये सारे फायर ट्यूब बॉयलर होते हैं। इनके बारे में भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सेकंड हमारा होता है वाटर ट्यूब बॉयलर। अब वाटर ट्यूब बॉयलर में क्या होता है, जो हमारी ट्यूब होती है इसमें वाटर सर्कुलेट करता है और हमारा जो सराउंडिंग पे क्या होता है हॉट गैसेस रहती हैं, सराउंडिंग पे क्या होता है हॉट गैसेस होती हैं। तो इस तरीके के हमारे जो बॉयलर होते हैं उसे हम कहते हैं वाटर ट्यूब बॉयलर। वाटर फ्लो थ्रू द ट्यूब, वाटर हमारा क्या ट्यूब के थ्रू फ्लो होता है, दिस ट्यूब आर सराउंडेड बाय हॉट गैसेस, और हॉट गैसेस के बीच में क्या है ये ट्यूब को ट्यूब जाती है। जैसे कि हमारी बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर होते हैं, स्टिलिंग बॉयलर होते हैं, लामाउंट बॉयलर होते हैं, इस तरीके के हमारे जो बॉयलर है वो वाटर ट्यूब बॉयलर होते हैं। सेकेंड हमारा होता है बेस्ड ऑन सर्कुलेशन ऑफ वाटर एंड स्टीम। जो हमारा सर्कुलेशन है वाटर और स्टीम का वो किस तरीके से हो रहा है, वह नेचुरल सर्कुलेशन है या फोर्स सर्कुलेशन है। यानी कहने का मतलब जो हमारा वाटर या स्टीम उस ट्यूब में जा रही है, बॉयलर के अंदर जा रहा है, वो नेचुरल तरीके से जा रहा है या उसमें हम किसी पंप का यूज कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। तो हमारा नेचुरल सर्कुलेशन टाइप में क्या होता है कि द सर्कुलेशन ऑफ वाटर इज बाय नेचुरल कन्वेक्शन करंट सेटअप इन ए वाटर ड्यू टू द हीटिंग एंड चेंज इन डेंसिटी ऑफ वाटर ऑन हीटिंग। कहने का मतलब नेचुरल सर्कुलेशन में क्या होता है, वाटर हीट हो जाता है तो उससे क्या होता है उसकी डेंसिटी चेंजेस होते हैं डेंसिटी पर, वो हल्का हो जाता है और उसके कारण क्या है नेचुरल सर्कुलेशन से हमारा वाटर क्या है फ्लो होता है। लेकिन फोर्स सर्कुलेशन में हमारा क्या होता है कि द सर्कुलेशन वाटर इज बाय सेंट्रीफ्यूगल पंप। यहां पे हमें क्या है सेंट्रीफ्यूगल पंप का यूज करना पड़ता है जो क्या है इलेक्ट्रिक मोटर से चलता है। तो ये हमारा होता है फोर्स सर्कुलेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप में बेस्ड ऑन एक्सिस ऑफ वाटर सेल। जो हमारी वाटर सेल होती है जो बॉयलर पे लगी होती है उनका एक्सिस किसके अकॉर्डिंग है वह बताता है हमें कि बॉयलर हमारा किस तरीके से डिफाइन है। जैसे हमारा होता है हॉरिजेंटल बॉयलर। हॉरिजेंटल बॉयलर में क्या होता है जो इनकी वाटर सेल होती है वो हॉरिजेंटल तरीके से लगी होती है। जैसे हमारा होता है लोकोमोटिव बॉयलर, जैसे ये देखो ये आपको इमेज दिख रहा होगा, ये हॉरिजेंटल ट्यूब हमारी क्या है हॉरिजेंटल टाइप में, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है हॉरिजेंटल बॉयलर होता है, ठीक है। इनकी ट्यूब क्या है एक हॉरिजेंटल पे है, तो ये हमारा क्या है लोकोमोटिव का फिगर होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा होता है वर्टिकल बॉयलर। वर्टिकल बॉयलर जैसे कॉकरन बॉयलर, इसपे क्या होता है जो इसकी ट्यूब सेल की ट्यूब होगी उसका स्ट्रक्चर होगा पूरा वाटर सेल का वह कैसा होता है वर्टिकल बॉयलर होता है। जैसे कि आप ये देखिए ये हमारा क्या है पूरा ये क्या है वर्टिकल बॉयलर है, आपको दिख रहा होगा वो हॉरिजॉन्टल बॉयलर था, ये हमारा क्या है वर्टिकल बॉयलर है, ठीक है। तो ये होता है वर्टिकल बॉयलर। नेक्स्ट बात करते हैं इंक्लाइंड बॉयलर की। इंक्लाइंड बॉयलर में क्या होता है जैसे हमारा स्टिलिंग बॉयलर होता है, इनकी देखो ये हमारा क्या है स्टिलिंग बॉयलर का फिगर है। ये क्या है इसकी देखो ट्यूब क्या है पूरी इस तरह से इंक्लाइन है और इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। डिटेल्स इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे होते हैं स्टिलिंग बॉयलर। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर कमेंट आप जरूर करें। नेक्स्ट हमारा जो टाइप होता है बेस्ड ऑन प्रेशर ऑफ स्टीम। जो हमारी स्टीम है उसका प्रेशर क्या है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है
लो प्रेशर बॉयलर जिनका हमारा प्रेशर रेंज 8 टू 20 बार होता है। एक हमारी होती है मीडियम प्रेशर बॉयलर जिसमें हमारा प्रेशर रेंज कितना होता है 22 टू 39 बार होता है। नेक्स्ट हमारा होता है हाई प्रेशर बॉयलर जिसमें हमारा प्रेशर रेंज 60 टू 140 बार होता है, ठीक है। और हमारे कुछ बॉयलर हमारे होते हैं सुपर हाई प्रेशर जिनमें हमारा प्रेशर उनका 150 टू 225 होता है। अगर इससे भी ऊपर हमारा प्रेशर जा रहा है 225 के तो उसे हम कहते हैं सुपर क्रिटिकल प्रेशर बॉयलर। नेक्स्ट हमारा जो टाइप है उसे हम कहते हैं बेस्ड ऑन फील्ड ऑफ एप्लीकेशन, हम की किस तरीके से एप्लीकेशन उसका यूज कर रहे हैं फील्ड पे उसके अकॉर्डिंग हमारा होता है मोबाइल स्टेनरी एंड मैरिन। मोबाइल बॉयलर जैसे हमारा लोकोमोटिव बॉयलर होते हैं, स्टेनरी बॉयलर में हमारा जैसे हमारा लंकाशायर बॉयलर है, मैरिन बॉयलर में स्कॉच बॉयलर हमारा होता है, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारा टाइप है बेस्ड ऑन टाइप ऑफ फायरिंग, जो फायरिंग है जहां पे हम आग जला रहे हैं वो किस तरीके से हो रहा है, इंटरनल फायर बॉयलर यानी जो इसको फायरिंग है वो इंटरनल हो रहा है या हम जो आग जला रहे हैं जो फैब्रिक है उसका बर्निंग प्रोसेस हो रहा है, फायरिंग हो रही है वो इंटरनल है या एक्सटर्नल है उसके अकॉर्डिंग भी हम क्या करते हैं उसको क्लासिफाई करते हैं। नेक्स्ट हमारा और लास्ट है बेस्ड ऑन टाइप ऑफ फ्यूल यूज, हम बॉयलर में किस तरीके से फ्यूल यूज कर रहे हैं, वो हमारा सॉलिड फ्यूल है फायर बॉयलर होता है, लिक्विड फ्यूल फायर बॉयलर होता है और गैस फायर बॉयलर होता है। तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर के बारे में। हम दोस्तों डिटेल से डिस्कस करेंगे इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में, किसका दोस्तों कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, और बात करेंगे इसके वर्किंग प्रोसेस के बारे में, वर्किंग प्रोसेस के बारे में कि इसका जो साइकिल होता है दोस्तों किस तरीके से चलता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो बात करते हैं हम, जैसा कि इसका नाम है बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर, तो दो साइंटिस्ट थे जो एक का नाम बैबकॉक था और विलकॉक्स थे, जो दोनों ने मिलकर इस बॉयलर का एक कह सकते हैं हमने एक निर्माण किया है, फिर कह सकते हैं खोजा। तो ठीक है, तो हमारा जो बैबकॉक्स और विलकॉक्स बॉयलर होता है, एक मैंने टर्म लिखा है ये हमारा कैसा होता है वाटर ट्यूब बॉयलर होता है। अब ये वाटर ट्यूब बॉयलर का मतलब क्या है, जो इसमें ट्यूब होती है उसमें उस ट्यूब के अंदर हमारा जो होता है वाटर होता है और इसके जो सराउंडिंग होती है वो फ्ल्यू गैसेस होती है, ऐसे बॉयलर को हम कहते हैं वाटर ट्यूब बॉयलर। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है एक्सटर्नल फायर्ड, यानी जो इसका फायरिंग होता है जो इसका कंबक्शन का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है एक्सटर्नल होता है यानी बाहर तरफ होता है। नेक्स्ट नेचुरल सर्कुलेशन, नेचुरल सर्कुलेशन का मतलब क्या है, इसमें जो वाटर का सर्कुलेशन होता है वो नेचुरली होता है यानी जो फ्ल्यू गैसेस हमारी आती हैं जो वाटर सर्कुलेट होता है वो क्या होता है नेचुरल होता है, इसमें कोई भी फीड पंप की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर कहते हैं। अब लिखा है टाइप ऑफ स्टर्नरी बॉयलर, और एक तरीके का हमारा जो बैबकॉक विलकॉक्स बॉयलर है वो कैसा है स्टर्नरी बॉयलर है। तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब बात करते हैं इसके पहले कंस्ट्रक्शन के बारे में, फिर बात करेंगे इसके प्रोसेस के बारे में। तो हमारा जो दोस्तों ऊपर का पोर्शन लिख रहा है इसे हम कहते हैं ड्रम, जो ड्रम होता है इसमें क्या होता है वाटर भरा होता है और हम कह सकते हैं दोनों स्टीम भी इसमें रहती है, जो स्टीम रहती है वो ऊपर पोर्शन में रहता है और जो हमारा वाटर होता है वो इस नीचे के भाग में रहेगा क्योंकि डेंसिटी क्या होती है स्टीम की हल्की होती है इसलिए वह ऊपर रहता है। ये हमारा होता है दोस्तों प्रेशर गेज, जिससे हम क्या करते हैं इस पूरे ड्रम का प्रेशर हम देख सकते हैं कि हमारा प्रेशर अभी कितना चल रहा है। ये होता है वाटर लेवल इंडिकेटर, जो इंडिकेट करता है कि इस ड्रम में वाटर लेवल हमारा कितना बना है, यानी 2.3 लगभग वाटर हमारा क्या है इस ड्रम में रहना चाहिए, तो हम ये हमें यहां से वाटर लेवल इंडिकेटर से पता चल जाता है। ये हमारा दोस्तों होता है सेफ्टी वाल्व, सेफ्टी वाल्व का मेन मकसद क्या है, कभी ऐसी ऐसा कोई कंडीशन आ गया जिससे हमारा बॉयलर में कोई प्रॉब्लम आ गई फिर आग लग गई तो क्या होता है कि सेफ्टी वाल्व हम क्या करते हैं ओपन कर देते हैं, जिससे क्या होता है ये पूरा वाटर क्या होगा इसमें गिर जाएगा और ये हमारी जो कंबक्शन का प्रोसेस है वो बंद हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा सेफ्टी मिल जाएगा। ये सेफ्टी वाल्व का आगे में और हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये होता है दोस्तों एक होता है एंटी प्रीमिंग पाइप। अब ये एंटी प्रीमिंग पाइप क्या होता है, ये एंटी प्रीमिंग पाइप भी हमारा कनेक्ट होता है सुपर हीटिंग ट्यूब से, ये हमारी क्या है सुपर हीटिंग ट्यूब लगी होती है। अब ये जो सुपर हीटिंग ट्यूब है और ये हमारा होता है मेन स्टॉप वाल्व। एंटी प्रीमिंग का क्या है मतलब है
कि जो भी इसमें मॉइस्चर कंटेंट जनरेट होते हैं वो एंटी प्रीमिंग क्या करता है, प्रीमिंग क्या करता है, सेफ रखेगा, संक्षारण से सेफ रखेगा। तो उस मॉइस्चर को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, एंटी प्रीमिंग का यूज करते हैं, क्योंकि जो मॉइस्चर होते हैं उसको अगेन हम क्या करते हैं, सुपर हीट कर देते हैं ताकि वो मॉइस्चर कंटेंट रिड्यूज हो जाए। और ये हमारी फीस किससे कनेक्ट होगी, ये हमारी क्या हो गई, स्टीम जा रही है, अभी सुपर हीटेड स्टीम जा रही है। अब हमें सुपर हीटेड स्टीम को कहां छोड़ना है, फिर कहां करना है, वो मेन स्टॉप वाल में लगा होता है, ठीक है, आगे का कनेक्शन है। अब ये इसमें दोस्तों दो हेडर होते हैं, एक हमारा होता है अपटेक हेडर होता है, एक होता है डाउनटेक हेडर होता है। ये जो हमारा अपटेक हेडर है ये भी क्या है, वाटर से कनेक्ट है, और जो हमारा डाउनटेक हेडर है ये भी क्या है, दूसरे वाटर से कनेक्ट है। यहां से वाटर आता है, और जब ये अभी इसमें क्या है, वाटर ट्यूब है, वाटर है, और जब ये ग्रेट है, अभी जब पर्किंग प्रोसेस बताऊंगा तो समझ में आएगा। अब क्या होता है, ये होती है दोस्तों बैफल। बैफल क्या करता है, क्योंकि इसमें वाटर बह रहा है, अभी ये हीट होगी फायर ट्यूब के सराउंडिंग में, तो उसकी वर्किंग प्रोसेस को बढ़ाने के लिए या फिर इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए हम कह सकते हैं बफल लगाते हैं, जिससे हमारा जो फ्लू गैसेस है पूरे में क्या हो सके, डिस्ट्रीब्यूट हो सके। अब ये हमारा क्या होता है, ये होता है मड बॉक्स होता है, जो भी इम्प्योरिटी होती है वो यहाँ कलेक्ट हो जाती है, और इसके बाद यहां से हमारा जो मड होता है वो क्या हो जाता है, यहां से हम क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं। जो भी हमारा पूरा कनेक्शन होता है, जो भी हमारा ड्रम होता है, ये हमारी एक तरीके की सपोर्टिंग लगा होता है दोनों तरफ, जो पूरा सपोर्ट करता है इस पूरे बॉयलर को, ठीक है। इतना चीज आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा होता है ग्रेट होता है, ग्रेट हमारा क्या कास्ट आयरन का बना होता है, जहां हम क्या करते हैं, जो भी हमें कंबक्शन का प्रोसेस करना होता है, जो फिर कोयला रखा जाता है, यो क्या होता है, ग्रेट के ऊपर ही हम रखते हैं। जो हमारा ग्रेट होता है वो हमारा कास्ट आयरन का बना होता है। यहां हमारा दोस्तों बना होता है फायर डोर, फायर डोर बना होता है, जहां से हम क्या कर सकते हैं, कोयले को जिसको हमें बर्न करना है वो हम क्या करते हैं, इंटर करते हैं। तो ये दोस्तों, और एक चीज, जो ये हॉरिजेंटल ट्यूब है जो हमारी बनी हुई है, ये हमारी क्या है, लगभग 5 to 15 meters इंक्लाइन होती है। ये हमारी जो वाटर ट्यूब है ना, यानी 5 to 15 इंक्लिनेशन इनका नियर अबाउट होता है, और जो इसका डायमीटर है जो पाइप का वो 10 centimeters होता है। तो ये दोस्तों इसका हो गया पूरा कंस्ट्रक्शन, मेन पार्ट क्या थे। अब बात करते हैं इसका वर्किंग प्रोसेस, ये किस तरीके से वर्क करता है। देखो, इसका वर्किंग प्रोसेस किस तरीके से है, यहाँ क्या होता है, ग्रेट होता है, यहाँ हमारा कंबक्शन का प्रोसेस होता है। जब ये कंबक्शन का प्रोसेस होता है तो यहां से क्या होगी, फ्लू गैसेस निकलेंगी। जो फ्लू गैसेस होती हैं वो इस तरीके से जाती हैं और वाटर ट्यूब से होके जाती हैं। अब जब ये वाटर ट्यूब से होके जाती हैं तो ये बैफल क्या करता है, इसको क्या करता है, एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करता है, इसको हर तरीके से फैलाता है। तो ये क्या करता है, इस बैफल के सहारे ऐसे ऐसे करके हमारा जो फ्लू गैसेस है वो हमारी क्या होती है, जनरेट होती है, और हमारा ये लगा होता है एक तरीके का डोर, जहां से हमारे फ्लू गैसेस क्या होते थे, फिर बाहर निकल जाती हैं। अब देखो, जब ये फ्लू गैसेस इन वाटर ट्यूब के सहारे आती हैं तो क्या होता है, अब ये वाटर ट्यूब इसमें बह रहा है, ये वाटर ट्यूब यहां से आ रहा है, ये वाटर ट्यूब यहां से क्या आया इस तरीके से, और वाटर ट्यूब क्या है, अब इसमें वाटर जब आया तो ये वाटर क्या भर गया। अब जब ये वाटर इसमें फिल हो जाएगा तो अभी गर्म भी हो चुका है तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, वाटर की हल्की हो जाएगी। जब वाटर की डेंसिटी हल्की हो जाएगी तो ये क्या होता है, वाटर का फ्लो जो होता है वो इस तरीके से ट्यूब के सारे होने लगता है, और यहां से जो फ्लू गैसेस होती हैं वो क्या हो जाती है, इस ड्रम में वापस चली जाती हैं, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। अब देखो, जब यहां इसको फ्लू गैसेस मिलता है, यानी कहने का मतलब इसमें अभी मॉइस्चर के पार्टिकल भी हैं, बट क्या हो सके, काफी हद तक हमारी क्या हो सकती है, जो वाटर है वो हीट हो चुका है। अब क्या होता है, ये एंटी प्रीमिंग से कनेक्ट होता है। अब एंटी प्रीमिंग हमारा क्या होता है, सुपर हीटर से कनेक्ट होता है। तो ये क्या करता है, जो एंटी प्रीमिंग होता है ये सुपर हीटेड ट्यूब के सारे कनेक्ट होता है, और जो भी हमारी इसमें मॉइस्चर के कंटेंट रहते हैं उनको क्या करता है, रिड्यूस करता है, और उनको सुपर हीटेड स्टीम में भेजता है। तब जो हमारी हीट है वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, तुम्हारा वाटर है वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, सुपर हीट हो चुकी है। यानी जो हमारा वाटर के पार्टिकल हैं, जो मॉइस्चर अभी थोड़े थाड़े रह गए हैं, वो पूरी तरीके से स्टीम में कन्वर्ट हो गया है। अब इसके बाद होता क्या है, ये जाता है मेन स्टॉप वाल में, जहां हमें जरूरत होती है उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, स्टीम को बाहर निकालते हैं। अब यहां से वाटर आता है और दोस्तों यहां से वाटर जाता है। तो ये दोस्तों इसका मेन वर्किंग प्रोसेस होता है, हमारा बैबकॉक
एंड विलकॉक्स बॉयल किस तरीके से वर्क करता है और इसका किस तरीके से हमारा कंस्ट्रक्शन होता है। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो बात करते हैं हमारा जो लंका शायर बॉयलर होता है वो कैसा बॉयलर होता है, बात करेंगे उसके हम कंस्ट्रक्शन के बारे में और उसके वर्किंग प्रोसेस के बारे में। तो पहले हम जान लेते हैं जो हमारा लंका शायर बॉयलर होता है वो एक हमारा फायर ट्यूब बॉयलर होता है। अब हम फायर ट्यूब बॉयलर किसे कहते हैं, जिसमें हमारा जो फायरिंग हो रही हो या फ्लू गैसेस हैं वो क्या है, ट्यूब में रहे और वाटर हमारा क्या रहता है, उसके सराउंडिंग रहता है, उसे हम कहते हैं फायर ट्यूब बॉयलर। तुम्हारा जो लंका शायर बॉयलर कैसा बॉयलर होता है, फायर ट्यूब बॉयलर होता है। और इसका जो बर्निंग प्रोसेस होता है, फिर हमारा जो फर्नेस होता है वो कैसा होता है, इंटरनली फायर्ड होता है। ये एक तरीके का हमारा हॉरिजेंटल बॉयलर होता है, यानी जो इनकी सेल लगी होती है वो कैसी होती है, हॉरिजेंटल कंडीशन में होती है, इसलिए हम इसे कहते हैं हॉरिजेंटल बॉयलर। और हमारा दोस्तों लिखा हुआ एंड नेचुरल सर्कुलेशन, यानी जो इनका वाटर का फ्लो होता है और हमारा जो फ्लू गैसेस होती हैं वो हमारा उनका सर्कुलेशन कैसा होता है, नेचुरल सर्कुलेशन होता है, यानी कोई भी हमें फीड पंप की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हमारा जो लंका शायर बॉयलर कैसा बॉयलर है, फायर ट्यूब बॉयलर है, इंटरनली फायर्ड एंड हॉरिजेंटल एंड नेचुरल सर्कुलेशन हमारा बॉयलर होता है। अब हम बात करते हैं इसके मैंने ये तीन डायग्राम क्यों लिए, पहले मैं आपको ये बता देता हूं। ये जो दोस्तों मैंने इसको कंसिडर किया है ये इसका फ्रंट व्यू है, और अगर हम साइड से देखते हैं तो इसका ये साइड व्यू है और ये इस क्या है, टॉप व्यू है। तो ये जो बॉयलर है इस तरीके से मैंने डिनोट किया हुआ है, समझाया है कि ताकि आपको तीनों व्यू इजिली समझ में आ जाए कि किस तरीके से ये बना होता है। ये हमारा क्या है, फ्रंट व्यू है, ये इसका टॉप व्यू होता है और ये हमारा क्या होता है, साइड व्यू होता है। अब देखो अगर हम इसको साइड से देखते हैं तो हमारा क्या, दो सेल होती है, ये हमारी क्या है, दो सेल होती है जो ट्यूब होती है। ये जो दोनों सेल होती है इनका जो डायमीटर कितना होता है, 1.75 मीटर टू 2.75 मीटर तक होता है। और जो इनका लेंथ है, यानी अगर इस तरीके से डायमीटर है, इस तरीके से हमारी सेल बनी हुई है, तो इनका जो डायमीटर कितना है, ये पूरा डायमीटर कितना है, 1.75 मीटर से 2.75 हो सकता है। और जो इसका लेंथ है, जो यानी ये वाला जो लेंथ है वो 2.7 मीटर टू 9 मीटर होता है, यानी ये वाला जो हमारा साइड व्यू दो से देख रहा है। अब अगर इसी को हम फ्रंट व्यू में देखेंगे तो हमारा क्या है, इस तरीके से दिखेगा ना, इस तरीके से, तो वही दिखाया गया है। ये हमारी दो सेल होती हैं इसमें, ठीक है। जो इनका पूरा कॉम्बिनेशन होता है, जो पूरा बॉयलर होता है, ये क्या है, ब्रिक के अंदर, यानी ब्रिक से पूरा माउंटेड होता है। ये जो हमारी ब्रिक्स दिख रही है, ब्रिक लाइनिंग दिख रही है, उसी में क्या होता है दोस्तों, माउंट होता है। तो समझ में आ गया होगा कि हमारा ये क्या है, एक तरीके की हमारी दोनों ट्यूब है, ठीक है। और इसी को अगर हम फ्रंट व्यू से देख रहे हैं तो हमारी एक तरीके की हमारी क्या है, एक फ्रंट व्यू, एक सील सेल दिख रहा है। तो बात करते हैं इसके पहले कंस्ट्रक्शन के बारे में, कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं। तुम्हारा जो दोस्तों ये होता है हमारा ग्रेट, ग्रेट क्या होता है, जहां हम कोयला बर्निंग प्रोसेस करते हैं वह हमारा क्या होता है, ग्रेट होता है। अब ये हमारा फायर होल लगा होता है, जो भी हमें कोयला एंटर करना होता है यहीं से हम क्या करते हैं, एंटर करते हैं। ये हमारा बना होता है वाटर, सॉरी फायर ब्रिज। अब ये फायर ब्रिज का वर्किंग क्या है, हमने क्या किया, यहाँ बर्निंग का प्रोसेस किया, तो बर्निंग के बाद इसमें क्या होगा, एस पार्टिकल निकलेंगे, बहुत सारे हैं एस पार्टिकल निकलेंगे, तो जो एस के पार्टिकल हैं वो आगे ना जाएं, इसलिए क्या है, एक तरीके से हमारा ब्रिज लगा होता है, जो एक तो इसे जो गैसेज हैं उनको क्या करता है, यहां से डिस्ट्रीब्यूट करके ऊपर लेके जाएगा, तो एस पार्टिकल क्या नीचे बैठे रह जाएंगे। तो ये इस तरीके से हमारा फायर ब्रिज का मेन वर्क होता है कि एस के पार्टिकल को आगे ना भेजें। अभी जैसे बताया कि मैंने फायर ट्यूब बॉयलर है, तो जो फर्नेस है, जो यानी फ्लू गैसेस है, वो क्या है, ट्यूब में है, और जो वाटर है इसके सराउंडिंग में रहता है, ठीक है। अब ये मेन पार्ट हो गया, ये हमारी दोस्तों चिमनी होती है। अभी ये जो हमारी चिमनी दी हुई है, इसी के अंदर हमारा क्या, एक तरीके से हमारा इकोनोमाइजर लगा होता है। इकोनोमाइजर का क्या वर्क होता है, अब हमारे एफिशिएंसी को अगर हम बढ़ाना है, जो वाटर की और एफिशिएंसी को बढ़ाना है, तो यहां से जो फ्लू गैसेस निकलेंगी उससे क्या है, हमारा जो वाटर है उसकी हीट और हीट हो जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, इकोनोमाइजर को यहां से चिमनी से पास करते हैं। अब ये हमारा लगा होता है ब्लो ऑफ वाल्व। अब ये पानी है गंदा हो गया है, इसे सफाई के लिए हम क्या कर सकते हैं, ब्लो ऑफ वाल्व का यूज करते हैं, जिससे हमारी जो भी गंदगी है वहां से हम क्या कर सकते हैं, इसको बाहर निकाल सकते हैं। ये हमारा यहाँ दोस्तों लगा होता है वाटर लेवल इंडिकेटर, जो क्या करता है, इस वाटर लेवल के इंडिकेटर को बताता है कि हमारा वाटर अभी कितना फिल है। ये हमारा दोस्तों होता है वाटर सेफ्टी वाल्व।
सेफ्टी वाल्व में क्या है, हमने स्टीम बनाया, स्टीम ज्यादा मात्रा में हो गई, तो अगर हमें स्टीम को बाहर निकालना है तो हमारा क्या, एक तरीके से हमारा सेफ्टी वाल्व का ये वर्क करता है। इसी तरीके यहाँ दोस्तों एक फ्यूजिबल प्लग भी लगा होता है, इसका डिटेल से हम बाद में बात करेंगे। जो फ्यूजिबल प्लग होता है क्या करता है, कभी हमारी स्टीम है या फिर हमारा कोई प्रॉब्लम आ गई तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कर सकता है, फ्यूजिबल प्लग के सहारे इस प्रोसेस को हम क्या कर सकते हैं, आग को बुझा देंगे और हमारा पूरा प्रोसेस क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो यहाँ फ्यूजिबल प्लग भी लगा होता है और हमारा क्या, सेफ्टी वाल्व लगी होती है। ये हमारा दोस्तों होता है पाइप स्टीम। अब क्या है, अब हमारी जो फ्ल्यू गैसेज है, क्योंकि ये हमारा क्या फर्नेस ट्यूब है, ये वाटर है, अब स्टीम क्या जाएगी, ऊपर स्टीम होगी, तो जब स्टीम हमारी हो जाती है, हम उस स्टीम को क्या करना है, आगे भेजना है, तो इस पाइप के सहारे हम क्या करते हैं, उस स्टीम को क्या कर सकते हैं, बाहर भेजते हैं, ठीक है। तो ये हमारा लगा होता है पाइप स्टीम। ये लगा होता है मैन होल। अब इसके अंदर की जो भी सफाई वफाई करनी है, तो मैन होल क्या, यहाँ एक इंटर पॉइंट होता है जिसके सहारे हम क्या कर सकते हैं, इस बॉयलर की पूरी सफाई कर सकते हैं। एक लगा होता है यहाँ नीचे साइड में भी लगा होता है लोअर सेफ्टी वाल्व, लोअर सेफ्टी लेवल, जो क्या कर सकता है, इसके वाटर लेवल को भी यह बताता है कि इसका वाटर का लेवल का जो इंटरनल पॉइंट है भी कितना है, ठीक है। तो यहाँ का समझ में आ गया होगा। अब ये क्या है, ये हमारी दोनों ट्यूब लगी होती है, जो हमें साइड से दो ट्यूब लगी होती है, जो ट्यूब हमारी दिखती है, जो सेल ट्यूब होती है, ठीक है। और इसमें क्या फ्ल्यू गैसेज होती है और इसके सराउंडिंग क्या होता है, वाटर होता है, ठीक है। अब इसी तरीके से ये वाला पॉइंट हम देखते हैं जो इसका टॉप व्यू है। टॉप व्यू क्या है, अभी जब वर्किंग देखेंगे तो ये हमारी क्या साइड फ्ल्यू गैसेज आती हैं। अब किस तरीके से दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट होती है, अभी वर्किंग में बात करेंगे। अब ये हमारा क्या लगा होता है, तो डैम्पर लगा होता है। अब डैम्पर का मेन वर्क क्या होता है, हमें कितनी फ्ल्यू गैसेज को यहाँ कितने टाइम के लिए रोकना है और फिर कितना अमाउंट बाहर करना है, वह डैम्पर क्या करता है, इसको रोक के रखता है इस फ्ल्यू गैसेज को। ये तो हो गया दोस्तों इसका कंस्ट्रक्शन। अब वर्किंग प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, कैसे इसका वर्किंग प्रोसेस होता है। अब देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कोयले को बर्न करते हैं। पहले जब हम यहाँ कोयले को बर्न करते हैं तो यहाँ फ्ल्यू गैसेस आएंगी, तो फ्ल्यू गैसेस हमारी क्या होती हैं, इस तरीके से इस ट्यूब में रहती है। अब ये ट्यूब के सहारे इस तरीके से फ्लो होती है, ये जो बॉटम फ्ल्यू हम कहते हैं, ठीक है। अब जब ये फर्नेस फायरिंग हो रहा है, फ्ल्यू गैसेस बर्न हो रही है, तो ये वाटर क्या है, स्टीम में कन्वर्ट होता है, और जो स्टीम में कन्वर्ट होता है उसे हम जब आगे भेजना है, वो हम पाइप स्टीम के सारे क्या कर सकते हैं, आगे भेज देते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है, जब ये बॉटम फ्ल्यू गैसेस यहां से निकलती हैं, इसके बाद यहां से इंटर करके दो भाग में बढ़ जाती हैं, जिसे हम साइड फ्ल्यू गैसेस कहते हैं, क्योंकि क्या दो ट्यूब लगी होती है। ये भी हमारा क्या है, बॉटम फ्ल्यू गैसेस है। जो बॉटम फ्ल्यू गैसेस है, अगर हम इसके साइड व्यू में देखें तो इस तरीके से क्या है, दोनों डिवाइड हो जाती है, एक हमारा इस साइड चला जाता है और एक हमारा इस ट्यूब के तरफ चला जाता है, ठीक है। जैसा कि इस फिगर में टॉप व्यू में देखो, एक ये हमारा साइड फ्ल्यू गैसेस निकल जाती हैं और हमारा क्या है, यहां से भी साइड फ्ल्यू गैसेस निकल जाती हैं। अब ये साइड फ्ल्यू गैसेस हैं, अब इसमें क्या वाटर हमारा फिल है, तो वाटर को हमें स्टीम में कन्वर्ट करना है, तो यहां से क्या होता है, वो धीरे धीरे क्या तो कन्वर्ट होता है, और यहां हमारे दोस्तों लगे होते हैं इकोनोमाइजर। तो ये डैम्पर के सारे जो फ्ल्यू गैसेज होती है, उनको हम क्या कर सकते हैं, फिर चिमनी के सारे क्या है, चिमनी है ना, इसको चिमनी के सारे क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों लंकाशायर बॉयलर हमारा वर्क करता है। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि लंकाशायर बॉयलर होता क्या है, इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है और इसका वर्किंग प्रोसेस क्या होता है। वाटर लेवल इंडिकेटर के बारे में, कि जो हमारा बॉयलर होता है उसमें एक हमारा वाटर लेवल इंडिकेटर लगा होता है, उसका वर्क क्या होता है, उसके पार्ट क्या होते हैं, हम डिटेल से दोस्तों डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो पहले जान लेते हैं हम कि वाटर लेवल इंडिकेटर का वर्क क्या होता है। जैसा कि जो वाटर लेवल इंडिकेटर है, जैसे नाम से क्लियर हो रहा है कि जो हमारा वाटर होता है, जो हमारा सेल होती है, जो हमारा वाटर भरा होता है, उसके लेवल को क्या करता है, इंडिकेट करता है कि हमारा उस सेल पे हमारा अभी, जैसे हमारा ये क्या है, एक तरीके की हमारी ट्यूब बनी हुई, सेल बना हुआ है, तो इस पे अभी कितना वाटर है, हमारा यहाँ क्या है, एक वाटर लेवल इंडिकेटर लगा होता है। तो ये क्या करता है, इंडिकेट करता है लेवल ऑफ वाटर इन सेल में, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि वाटर लेवल इंडिकेटर का वर्क क्या होता है। नियर अबाउट 2/3 पोर्शन ऑफ वाटर सेल शुड बी फिल्ड विथ वाटर, यानी 2/3 पोर्शन होता है जो लेवल ऑफ इंडिकेटर वाटर का होता है, वो फिल रहता है हमेशा और इंडिकेट करता है कि हमारा जो सेल है उसमें वाटर का अभी लेवल क्या है, क्योंकि वाटर खत्म ना हो, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, वाटर लेवल इंडिकेटर का यूज करते हैं।
अब देखो इसके पार्ट क्या होते हैं। ये हमारा दोस्तों एक ट्यूब होता है जिसमें क्या है, वाटर और स्टीम दोनों भरी होती है। ये हमारी ट्यूब है। अब ट्यूब जो होती है, ग्लास की एक ट्यूब होती है, इसके ऊपर एक सील्ड कवर लगा होता है। जो सील्ड कवर क्या करता है, उस कांच का जो ट्यूब लगा हुआ है उसको सेव करता है, जो लेवल को क्या करता है, इंडिकेट करता है कि भी अभी हमारा जो वाटर का लेवल कितना भरा हुआ है, ठीक है। और इसके साथ दो ट्यूब और कनेक्ट होते हैं। एक ट्यूब ये है जिसे हम स्टीम ट्यूब कहते हैं, और एक हमारा होता है वाटर ट्यूब। ये हमारे कॉक लगे होते हैं, जो हमारा लेवल इंडिकेटर है उसमें तीन कॉक होते हैं। एक हमारा स्टीम कॉक होता है जिसमें क्या अभी ये ओपन की कंडीशन में है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, वाटर का कॉक है जिसमें क्या है, वाटर पैसेज होगा, यानी वाटर पास होगा। और ये हमारा ड्रेन कॉक होता है, जैसे कि कोई भी इसमें इम्प्योरिटी आ गई, या फिर हमें स्टीम कॉक है, या फिर हमारा कोई ऐसी कंडीशन आती है जब हमें चेंज करना है, तो हम ड्रेन कॉक के सारे क्या कर सकते हैं, इसकी सफाई भी कर सकते हैं और स्टीम और वाटर को क्या कर सकते हैं, आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो सपोज दैट ये हमारा क्या है, सेल का पार्ट है। अब ये सेल का पार्ट है तो यहाँ क्या है, ये वाटर है, और वाटर क्या होता है, डेंसिटी इसकी ज्यादा होती है तो नीचे रहेगा, और जो स्टीम रहेगी वो क्या रहेगा, ऊपर रहेगा। तो यहां से क्या होता है, ये स्टीम पास होती है, यहां से क्या होता है, स्टीम जाता है, इसलिए इसको स्टीम कॉक कहते हैं। और ये जो C2 जैसे मैंने नाम दिया है वाटर कॉक, यहां से क्या है, वाटर जाता है। अब क्या है, यहां से वाटर जाता है, और दोस्तों यहां एक बॉल टाइप की लगी होती है, इस तरीके से बॉल टाइप की लगी होती है दोनों में, इस तरीके से बॉल लगा होता है जो एक कांस्टेंट पोर्शन पे रहता है, जब तक हमारा क्या है, वाटर और स्टीम का लेवल क्या है, बराबर रहता है। सपोज दैट यहां तक हमारा वाटर है, तो इस तरीके से हाफ हाफ पोर्शन पे वाटर रहेगा, इसमें वाटर ऐसे फिल रहेगा, और यहां पे क्या है, स्टीम रहेगी, क्योंकि यहां से स्टीम आ रहा है, यहां से क्या है, वाटर आ रहा है। तो ये इंडिकेट करता है, ये ट्यूब हमारी इंडिकेट करती है कि भी हमारा लेवल जो है वाटर का कितना है। सपोज दैट क्या है, अगर ये ट्यूब जो है ब्रोकन हो गई तो क्या होगा, अगर ये ट्यूब ब्रोकन हो जाता है तो ये बाल जो है ये क्या हो जाता है, इस पैसेज पे इस तरीके से जाती है, और यहां क्या करता है, इस ट्यूब को ड्रॉप कर देती है, यानी वाटर भी अब नहीं आएगा, और ये ट्यूब यहां आ जाती है ऑटोमेटिक, अब स्टीम भी नहीं आती है। तो इससे क्या होता है, हमारा सेफ रहता है कि इस टाइम पे अभी हमें क्या करना है, ठीक है। अगर हमें सपोज ट्यूब टूट गई है तो हम क्या करेंगे, ट्यूब को इस टाइम पे चेंज कर सकते हैं, क्योंकि स्टीम भी नहीं आएगी ना वाटर आएगा, और इसको इजिली हम क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। या फिर हमें इसकी क्लीनिंग करनी है तो भी हम ड्रेन कॉक के सारे इस बॉल को आगे पैसेस करते हैं, जिससे क्या है, ना स्टीम आएगा ना वाटर आएगा, और इजिली हम क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों वाटर लेवल इंडिकेटर वर्क करता है, और इसके मेन पार्ट है। प्रेशर गेज के बारे में, जो एक हमारा बॉयलर का क्या है, माउंटिंग है, ठीक है। तो जो हम प्रेशर गेज यहां बात कर रहे हैं, वो हम बात करेंगे बॉयलर प्रेशर गेज की। ये क्या करता है, ये हमारा बॉयलर पे लगा होता है, जब हमें क्या होता है, हमारा स्टीम जो हमारी आती है बॉयलर पे, जो उसका प्रेशर हमारा हाई हो जाता है, तो उसका क्या करता है, प्रेशर को मेजर करता है। बात करते हैं लगा कहाँ होता है, इट इज माउंटेड एट द फ्रंट टॉप ऑफ द बॉयलर ड्रम। जो हमारी बॉयलर ड्रम है, इस तरीके से हमारा क्या है, प्रेशर गेज लगा होता है, ठीक है। ये जो हमारी रीडिंग है वो बार में या फिर MPa गेज में हमारी यूनिट आती है। अब देखते हैं ये हमारा जो प्रेशर गेज है वो किस तरीके से वर्क करता है, इसका किस तरीके से अटैचमेंट होता है। अब देखो होता क्या है, ये हमारा क्या है, कॉक है, ये हमारा मेन जो बॉयलर का हमारा ड्रम है, वहां से क्या होता है, कनेक्ट होता है, ठीक है। अब होता क्या है, जब ये हमारा जो वाटर का जब प्रेशर हमारा हाई होता है, तो जैसे अप या अप होगा, तो यहां पर क्या होता है, वाटर एंटर करने लगता है इस तरीके से। इसके पार्ट के बारे में भी हम डिस्कस करते जाएंगे। जब ये एंटर करता है तो ये हमारी लगी होती है स्प्रिंग ट्यूब। ये स्प्रिंग ट्यूब इस तरीके से अरेंजमेंट होता है इसका, जो हमारी स्प्रिंग ट्यूब होती है, ये एक लिंक के द्वारा इस जो हमारा टूथ्ड हिंज है और ये हमारा पिनियन है, इससे क्या होती है, कनेक्ट होती है। और इस पिनियन पे हमारा क्या है, एक प्वाइंटर होता है, जो हमारा क्या करता है, यहाँ पे रीडिंग होती है, हमारी प्रेशर गेज की रीडिंग होती है, और ये क्या है, इस तरीके से मूव करता है। अब देखो ये किस तरीके से मूव करता है, ये हमारी क्या होती है, स्प्रिंग टाइप की बनी होती है। सपोज दैट ये स्प्रिंग इस तरीके से बनी हुई है, इस तरीके से। जब क्या है, जब इसमें प्रेशर जाता है, इस तरीके से जब इसमें प्रेशर जाता है इस तरीके से, तो ये क्या करता है, ये
फैलने की कोशिश करता है। ऐसे हमारा प्रेशर ऐसे सपोजिट है, जब ये प्रेशर इसमें ज्यादा होगा तो इस तरीके से ट्यूब क्या फैलती है। जब ये ट्यूब फैलती है तो ये क्या होता है, पिनियन से कनेक्ट होता है और हमारा जो ये पॉइंटर है ये भी क्या होता है, इस तरीके से मूव करता है। सपोज दैट हमारा प्रेशर क्या हुआ, रिड्यूस होने लगा। इस तरीके से हमारा क्या हुआ, वाटर का प्रेशर रिड्यूस होने लगा, तो फिर क्या होता है, इस तरीके से सुगड़ने की कोशिश करता है और हमारा जो पॉइंटर है वो नीचे आता है। तो इस तरीके से हमारा कंटिन्यू रीडिंग ये शो करता है। देखते हैं एक एनिमेशन के द्वारा। अब इस एनिमेशन में देखो ये क्या है, प्रेशर, प्रेशर देखो इस पे क्या होगा, इंटर करेगा। अब ये प्रेशर जब जाएगा इस पे तो ये क्या है, ये कंटिन्यू क्या करेगा, इस तरीके से देखो फैला, ये क्या है, पॉइंटर मूव कर रहा है। अब ये जब प्रेशर कम होने लगा तो फिर ये क्या है, रीडिंग नीचे आने लगी। इस तरीके से ये क्या होता है, कंटिन्यू मूव करता है। आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा प्रेशर गेज किस तरीके से वर्क करता है। फीड चेक वाल्व के बारे में, जैसा कि दोस्तों इसके पहले ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है कि हमारा वाटर लेवल इंडिकेटर क्या होता है। अगर दोस्तों आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लें कि वाटर लेवल इंडिकेटर हमारा किस तरीके से वर्क करता है और उसका प्रोसेस किस तरीके से होता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो पहले बात करते हैं कि हमारा फीड चेक वाल्व का वर्क क्या होता है। जैसे कि हमारा लिखा है फीड चेक वाल्व, तो फीड चेक वाल्व का मेन वर्क होता है, ये वाटर को क्या करता है, फीड करता है इन बॉयलर सेल पे। जैसा कि हमारी ये सेल होती है इस तरीके से कुछ, नॉर्मली जो हमारा बॉयलर होता है ये हमारी क्या सेल है, तो ये लगा कहाँ होता है, जो हमारा वाटर लेवल इंडिकेटर लगा होता है जस्ट इसके नीचे हमारा क्या लगा होता है, फीड चेक वाल्व लगा होता है, जो करता क्या है, वाटर को फीड करने में हेल्प करता है कि हमारा इसमें कितना वाटर सप्लाई करना है, वो क्या करता है, फीड चेक वाल्व का ही काम होता है। जैसा कि लिखा है कि फीड चेक वाल्व इज टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ वाटर टू द बॉयलर, इस बॉयलर पे हमें कितना वाटर को सप्लाई करना है वह भी क्या करता है, फीड चेक वाल्व क्या करता है, कंट्रोल करता है। अब बात करते हैं इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में और इसके वर्किंग प्रोसेस के बारे में। यह दोस्तों हमारा हैंडल लगा होता है, जो हैंडल होता है इस स्पैंडल से क्या होता है, कनेक्ट होता है। इसको हम क्या कर सकते हैं, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं। जब क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो क्या करता है, ये जो स्पैंडल ये अप और डाउन कर सकता है, ठीक है। अप डाउन करेगा तो यहां एक पैसेज बना होता है, ठीक है। अब देखो बताते हैं अभी, ये क्या आती है, हमारी स्पैंडल हो गई, ये हमारी वाल्व होती है। इसमें दो वाल्व होती है, एक अपर वाल्व लगी होती है, एक नीचे साइड की वाल्व लगी होती है। यह वाल्व क्या करेगा, ये ओपन डाउन करेगा, और एक ये होती है नॉन रिटर्न वाल्व होती है। अब नॉन रिटर्न वाल्व क्यों लगाया गया है, क्योंकि इससे क्या है, वाटर तो फीड होगा, यहां से क्या है, वाटर फीड हो रहा है सपोज दैट, ठीक है, हाई प्रेशर से। तो क्या होगा, अगर वाटर एक बार यहां से एंटर हो गया तो वापस वाटर नहीं जाएगा, ये होता है नॉन रिटर्न वाल्व का, यानी कोई चीज चली गई तो रिटर्न नहीं होगी, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। तो होता क्या है, यहां से वाटर एंटर करता है, जब यहां से वाटर एंटर करेगा तो इस बॉयलर पे भी क्या होगा, प्रेशर होगा कुछ, इसका भी क्या होगा, कुछ प्रेशर होगा। तो क्या होता है कि जब दोस्तों क्या होता है कि जब यहां से वाटर एंटर करता है तो यह क्या करता है, एक प्रेशर से क्या करता है, एग्जर्ट करता है। यहां से वाटर आएगा, अब यहां से क्या करेगा, प्रेशर लगाएगा। जब ये प्रेशर लगाता है तो हम क्या होता है, यहां से वाटर क्या होता है, इस तरीके से पैसेज से एंटर करता है। जब यहां से एंटर करेगा तो ये वाल्व क्या हो जाती है, ऊपर हो जाती है। ऊपर कहने का मतलब हम इसको कितनी वाटर सप्लाई आगे बढ़ाना है उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, हम इस हैंडल के सहारे इस स्पैंडल को अप और डाउन करते हैं, ठीक है। अब हमने अप डाउन किया, फिर क्या होता है, यहां से वाटर निकल गए और ये हमारा जाता है बॉयलर पे, ठीक है। अब इसे कैसे पता चलता है कि हमें कितनी वाटर को सप्लाई देना है। अब होता क्या है, यहां होता है प्रेशर, अब इसका भी प्रेशर होगा, अब इसका भी प्रेशर होगा। जब इस बॉयलर का प्रेशर कम होगा तो वाटर क्या करेगा, यहां से इस प्रेशर से कम होगा तो ये प्रेशर क्या है, आगे चला के वाटर को क्या करेगा, फीड करेगा, यानी वाटर को इंटर करेगा। जब वाटर यहां सप्लाई हो जाती है कि हमें कितना वाटर फीड चेक वाल्व के सहारे देना है, तो फिर होता क्या है, फिर इसका भी प्रेशर कुछ होता है, तो जब इसकी वाटर की सप्लाई पूरी हो जाती है तो ये क्या करता है, एक तरीके का नॉन रिटर्न वाल्व है, यह भी प्रेशर क्या कर सकता है, एग्जर्ट करता है, और इसके सहारे ये वाल्व क्या हो जाती है, हमारी क्लोज हो जाती है। क्योंकि जब इसका प्रेशर ज्यादा हो गया तो ये क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा, तब तो वाटर जाएगा नहीं। तो इस तरीके से ये दोस्तों वर्क करता है। और हैंडल का हमारा क्या यूज होता है, हमें कितना वाटर को सप्लाई करना है यहां से, इस स्पैंडल के सहारे हम क्या कर सकते हैं, अप और डाउन करते हैं। और हमारी होती है नॉन रिटर्न वाल्व, जो एक बार वाटर अंदर हो जाता है फिर ये इस साइड वापस नहीं आता है। तो ये दोस्तों मेन वर्क होता है फीड चेक
वाल्व का, ब्लो ऑफ कॉक के बारे में, कि जो कि हमारा एक माउंटिंग होता है जिसको हम क्या बॉयलर में यूज करते हैं। जो हमारा ब्लो ऑफ कॉक होता है, पहले हम जान लेते हैं इसका हमारा यूज क्या होता है, इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है और फिर ये कैसे वर्क करता है। तो दोस्तों ब्लो ऑफ कॉक का जो हमारा मेन वर्क होता है, जो भी हमारा सेल होता है, जो हमारा जिसमें हमारा वाटर भरा होता है, जैसे कि हमारा ये क्या सेल है, एक तरीके से इस तरीके की हमारी क्या सेल रहती है, ठीक है, जिसमें हमारा क्या होता है, ये वाटर भरा होता है और ऊपर क्या रहती है, स्टीम रहती है। तो अगर इस वाटर को हमें क्या है, क्लीनिंग करना है या फिर इसका हमें इंस्पेक्शन करना है या फिर रिपेयर करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ब्लो ऑफ कॉक का यूज करते हैं। कहने का मतलब, अगर हम इसके वाटर को क्लीन करना है तो हम क्या करते हैं, इस पे एक हमारा ब्लो ऑफ कॉक लगा होता है इस तरीके का, इस तरीके से, जहां से हम क्या करते हैं, वाटर को रिमूव कर सकते हैं और इसकी हम क्या कर सकते हैं, क्लीनिंग इजिली कर सकते हैं। अब इंस्पेक्शन करना है, रिपेयर करना है, क्लीनिंग करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ब्लो ऑफ कॉक का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट लिखा हुआ है कि व्हेन द बॉयलर इज ऑलरेडी इन रनिंग कंडीशन, सपोज दैट हमारा बॉयलर, ये तो हो गया जब हमारी कंडीशन रनिंग पे नहीं है, अगर हमारा बॉयलर रनिंग कंडीशन पे है, तो सम वाटर इज टू बी द टेकन आउट ऑफ सेल सो दैट इम्प्योरिटी लाइक मड ईटीसी, यानी हमारे बॉयलर से क्या है, अगर वाटर को निकालना है या फिर इम्प्योरिटी इसमें जम गई है, जैसे हमारी काई वगैरह होती है वाटर में क्या जम जाती है ना, तो उसको क्या है, अगर क्लीनिंग करना है, मड को क्लीनिंग करना है, तो हम क्या करते हैं, ब्लो ऑफ कॉक का यूज करते हैं। अब हमारा ब्लो ऑफ कॉक लगेगा कहाँ, देखो अगर क्लीनिंग पर्पज से है तो श्योरली आप कॉमन सेंस की बात दोस्तों, कि जो हमारा ब्लो ऑफ कॉक जहां लगा होगा, कहाँ लगा होगा, सेल के नीचे फिट होगा, ठीक है। तो लिखा हुआ कि इट इज फिटेड ऑन द बॉयलर सेल डायरेक्टली, या फिर ये हमारा जो स्ट्रक्चर है ब्लो ऑफ कॉक का है, या फिर इस तरीके से डायरेक्टली फिट होता है, या फिर ए शॉर्ट ब्रांच पाइप, एक पाइप के सहारे लगा होता है एट द लोएस्ट पार्ट ऑफ द स्पेस, यानी जो हमारा बॉयलर सेल होता है उसमें लोअर पार्ट में हमारा क्या है, ये ब्लो ऑफ कॉक हमारा लगा होता है, जो एक तरीके की हमारी क्या है, माउंटिंग है। अब देखो इसके पार्ट क्या है, ये दोस्तों हमारा हैंडल होता है, इस हैंडल के सहारे ये हमारा स्पिंडल लगा होता है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको घुमाते हैं। अब ये घुमाने का पर्पस क्या है, ये हमारा एक कॉनिकल प्लग होता है, जो कॉनिकल प्लग बना हुआ, ये कॉनिकल, ये एक तरीके का, अभी मान लो एक रेक्टेंगल टाइप में है, एक तरीके का रेक्टेंगल का मतलब क्या है, एक तरफ से होल है और एक तरफ से सॉलिड है। कहने का मतलब अगर मैं इसको ही मान लूं, सपोज दैट ये है, अब देखो इस साइड से होल है, बट इस साइड क्या, अगर हम ऐसे देखें तो क्या सॉलिड है, मतलब इस तरीके से, अगर हम यहां से हमारा वाटर आ रहा है, ठीक है, अब ये वाटर आ रहा है, बाहर निकल रहा है कॉनिकल, ये हमारा क्या होता है, कॉनिकल प्लग होता है, ठीक है, ये हमारा स्पैंडल होता है, ये हमारी क्या होती है, हैंडल होती है, ठीक है। अब अगर हमें क्या करना है, इसको हम घुमाते हैं, अब ये क्या है, वाटर जा रहा है इस पे, वाटर यानी निकल रहा है, अगर हम इसको घुमा देंगे इस तरीके से, तो वाटर क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, यानी ये पानी बाहर नहीं निकलेगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये वर्क करता है, एक रेक्टेंगल होल टाइप में होता है, जैसे हमारा पानी का होता है ट्यूब है, जो टैब हम घुमाते हैं, जब घुमाते हैं पानी क्या निकलने लगता है, और फिर जब हम क्लोज कर देते तो पानी बंद हो जाता है। तो सेम इसी तरीके से दोस्तों ब्लो ऑफ कॉक भी हमारा क्या है, वर्क करता है। अगर हमें उस सेल का, जो हमारा सेल है, इसमें वाटर को रिमूव करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हैंडल को घुमाते हैं, जब हैंडल को घुमाते हैं तो हमारा पैसेज मिल जाता है और इस तरीके से पानी हमारा क्या हो जाता है, इजिली निकल जाता है। बट अगर हम इसको फिर अगेन घुमाते हैं तो ये सॉलिड स्ट्रक्चर आ जाएगा, तो ये कोई क्या हो जाएगा, पानी को बाहर आने नहीं देगा। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा ब्लो ऑफ कॉक वर्क करता है। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा कि ब्लो ऑफ कॉक हमारा होता क्या है और हमारा किस तरीके से ये लगा होता है बॉयलर पे और किस तरीके से वर्क करता है। तो बात करेंगे फ्यूजिबल प्लग के बारे में, जो कि हम क्या करते हैं, एक सेफ्टी की कंडीशन पर बॉयलर में यूज करते हैं। तो बात करते हैं, जैसा कि इसके नाम से क्लियर है, फ्यूजिबल प्लग, यानी एक ऐसा प्लग जो क्या हो जाए, फ्यूज हो जाए। कहने का मतलब, एक ऐसा हमारा इसमें मेटल भरा होता है जिसे हम फ्यूजिबल मेटल कहते हैं, वही हमारा फ्यूज हो जाता है, जिसके कारण हमारा वाटर एंटर करता है और उस कंबक्शन चैम्बर को, जहां हमारा कंबक्शन हो रहा है, उसको क्या कर सकता है, बंद कर देता है। कहने का मतलब, बात करते हैं इसका मेन वर्क क्या होता है। जैसा कि लिखा है कि फंक्शन ऑफ ए फ्यूजिबल प्लग इज टू प्रोटेक्ट द बॉयलर अगेन द डैमेज ड्यू टू द ओवर हीटिंग एट लो वाटर लेवल। कहने का मतलब, जब हमारा वाटर का जो लेवल है वो लो हो जाए और वो ओवर हीट होने लगे, तो उस कंडीशन में हमारा होता क्या है,
उस बचाने के लिए, उस डैमेज को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, फ्यूजिबल प्लग का यूज करते हैं। अभी बात करेंगे इसे किस तरीके से हम काम करता है, ठीक है। इसका जो ये लगा कहां होता है, तो फ्यूजिबल प्लग इज एक्सक्लूड आइदर इन क्राउन ऑफ फर्नेस या फिर क्राउन ऑफ फर्नेस पे आर अबव द कंबक्शन चैम्बर या फिर कंबक्शन चैम्बर के दोस्तों ऊपर लगा होता है। यह जो पूरा स्ट्रक्चर है वो बना होता है गन मेटल का, तो ठीक है ये गन मेटल का दोस्तों बना होता है। देखो होता क्या है, जब वाटर लेवल हमारा क्या है बॉयलर सेल में डाउन हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है, तुम्हारा जो प्रेशर है स्टीम का वो इंक्रीज होगा क्योंकि सुपर हीटिंग होने लगेगी। तो उस कंडीशन में हम बचाने के लिए क्या करते हैं, फ्यूजिबल प्लग का यूज करते हैं। सपोज दैट देखो, अगर हमारा ये क्या है, ये हमारा एक तरह की बॉयलर सेल है, ये हमारा बॉयलर सेल है। अब इसमें होता क्या है, यहाँ पे हमारा वाटर होता है और यहाँ पे क्या होती है, स्टीम होती है। अब जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे मान लिया मैंने फर्नेस की कंडीशन है, यहाँ फर्नेस है, तो ये जस्ट दोस्तों ऊपर लगा होता है और इसका आधा पोर्शन क्या है, वाटर के अंदर होता है, आधा हमारा फर्नेस पे होता है। अब होता क्या है, जब ये आधा और आधा इस पे दोनों का पोर्शन होता है, तो जब ये वाटर का लेवल क्या होता है, कम होने लगता है, तो जब कम होने लगता है तो एक तरीके की हीटिंग जनरेट होने लगती है, सुपर हीटिंग जनरेट होने लगती है। तो जब ये सुपर हीटिंग ज्यादा हो जाती है तो जो फ्यूजिबल मेटल है वो क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। और जो वाटर है वो यहां से इसका स्ट्रक्चर क्या, हैलो बना होता है, ये जो हैलो है ये हैलो स्ट्रक्चर बना होता है और यहां से फ्यूजिबल मेटल हमारा एंटर करता है और जो भी हमारा यहाँ फर्नेस हो रहा है उसको क्या कर सकता है, बंद कर देता है, जिससे हमारा जो ओवर हीटिंग हो रही है उसको क्या करेगा, सेव करके रखेगा और बॉयलर को डैमेज होने से बचा लेगा। अब देखो फ्यूजिबल प्लग किस तरीके से लगा होता है। यहां दोस्तों जो इसका नीचे का पार्ट है वो स्क्रूड होता है, टेपर स्क्रूड होते हैं, जहां भी हमें फिट करना होता है वो स्क्रू के सारे हम क्या कर सकते हैं, उसको लगा देते हैं। इसमें एक तरीके के तीन स्टेप बने होते हैं, ए बी और सी करके, ए बी सी करके बना होता है, जो एक दूसरे से क्या होते हैं, स्क्रूड होते हैं। तो साइड का पोर्शन क्या है, पूरा हमारा गन मेटल का है, क्योंकि गन मेटल का है तो हम इजिली क्या कर सकते हैं, उसको लगा देंगे जहां लगेगा। और इसमें की जो साइड की परत है, जैसे ये है, इस तरह से एक साइड होता है, उसमें क्या होता है, फ्यूजिबल मेटल भरा होता है। तो ये आधा पोर्शन हमारा क्या है, वाटर से कनेक्ट है, आधा स्टीम से कनेक्ट है। तो जब ओवर हीटिंग होने लगेगी तो वाटर का लेवल क्या होगा, कम होगा। जब वाटर का लेवल कम होगा तो एक समय ऐसा आएगा, तो स्टीम बाहर चली गई, वाटर का लेवल बहुत कम हो गया, तो ये क्या होने लगेगा कि ज्यादा हीट होने लगेगा। जब ये ज्यादा हीट होने लगेगा तो फ्यूजिबल मेटल क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है और जो वाटर रहता है वहां से एंटर करता है इस पोर्शन से और जो वहां फर्नेस हो रहा है उसको क्या करेगा, वहां गिरेगा, जिससे फर्नेस क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी और हमारा जो बॉयलर है वो डैमेज होने से बच जाएगा। तो इस तरीके से एक तरीके से हम कह सकते हैं ये सेफ्टी की कंडीशन के लिए बहुत ही हमारा अच्छा होता है, जिसे हम फ्यूजिबल प्लग का यूज करते हैं। तो थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो दोस्तों, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट कि फ्यूजिबल प्लग हमारा किस तरीके से वर्क करता है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।